Hey guys, welcome back to my channel, and I hope you all are safe and sound. In the previous video, what we have discussed, a simple coding challenge, वो simple नहीं था, उसमें लिखा ही complex था, मतलब वो complex ही होगा, but मैंने फिर वो इतना easy way में करा दिया था. We have done a variable to alphabetical form वाला, हमने उसमें कुछ सीखा था, and अब हम एक सेकेंड कोडिंग चैलेंज है जो बहुत इजी है. और गाइज, अगर आपको नहीं समझ आया पिछला कोडिंग चैलेंज, तो उसका ना एक जिप फोल्डर बना के रखा है मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के, तो उसे आप जाके डाउनलोड कर लो. मैंने ऊपर टाइटल भी लगाया, अगर आपको ये वाला नहीं समझ आया या उसके पहले के दो समझ नहीं आए, तो आप इन जिप फोल्डर्स को डाउनलोड करके उन्हें समझ सकते हो. ठीक है, तो ऐसी ये वाला है. अब ये वाला भी थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, बट उतना भी नहीं है, तो अब इसको देखते हैं. बहुत सिंपल है. इसने लिखा है, गिवन इंटीजर एन, परफॉर्म द फॉलोइंग कंडीशनल इफ एन इज ऑड प्रिंट ईयर. तो सबसे पहले भैया, अब हमें एन है, एक इंटीजर है, तो हम जैसे जल्दी से क्या करेंगे, इंटीजर सेंस एंड स्टैंड फॉर इंटीजर, और अभी हम क्या कर देंगे, इनपुट कर देंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पे दे देंगे एंटर एन इंटीजर. अब भैया क्या मैंने क्या, मैंने इससे कहा, इसने मुझसे कहा कि आपको एक इंटीजर देना है एन. अब हम तो कोई भी एन, हम तो सपोज लोगो लो, हम तो एन की वैल्यू 4 डाल देंगे. ठीक है, हम फंक्शन दे देंगे, और ये क्या करेगा, ये बता देगा ये ऑर्डर नहीं है. नहीं, लेकिन ये तो इसके लिए खिचड़ी हो जाएगी ना, पक्की पकाई है, बस इसे लेनी है, बस चम्मच से खाना है इसे. लेकिन अब इसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी, मेहनत. क्यों, हम इसको ये देंगे, इसने हमसे कहा कि हमें एक इंटीजर दे दो मुझे. ठीक है, और उसने कहा बस इतना कहा कि इंटीजर दे दो. भैया हम तो तुझे दो चीज देंगे, एक तो जो ये है, भैया हमने इसकी बात पहले बड़ी कर ली कि एन जो है वो इंटीजर होना चाहिए. दे, हमने पहले एन लगा दिया, पॉइंट में कोई नंबर दोगे वो इंटीजर में नहीं आएगा, तो वो लेगा ही नहीं उसे. ठीक है, खिचड़ी के साथ वो तायरी नहीं खाता. तो इनपुट, अब मैंने क्या कहा, अब मैंने इसे दिया कुछ, मैंने कहा कि भैया पकी पकाई खिचड़ी नहीं देने के, हम तो तुझे एक नंबर देंगे, फिर तू बताओ उसे ये वो है या नहीं है, क्या इंटीजर ऑड है या इवन है. ठीक है, तो मैंने कह दिया इनपुट स्टैंड पर कि ये जो हमें, ये जो कंपाइलर है हमारा, ये हमें कहेगा कि मुझे एक नंबर दो, एक इंटीजर दो. तो मैंने ऐसे करा इसको. फिर अब अगर हम इसे रन करते हैं, तो हमारे पास आ गया एंटर एन इंटीजर. अब भैया इंटीजर हम तो कुछ भी दे देंगे, हम तो भारी से भारी नंबर देंगे भैया, एंटर करेंगे, कुछ भी नहीं आया. अब भैया वो इस नंबर को तो कुछ करने का ही नहीं, भैया तुमने ये तो कहा इंटीजर दो, तो बस उसके बाद का तो तुमने डिफाइन ही नहीं करा. चलो वो डिफाइन करते हैं. अब एक इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर ये होता है, ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से कटने के बाद भी जब उसका रिमाइंडर 1 आ जाता है. जैसे एक 7 ले लो, 7 हो गया, तो 7 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6, 3 आ जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा हमारा क्वेश्चेंट, माइनस 6 करके 7 के बाद जो 1 आ जाएगा, 7 माइनस 6 जो 1 आएगा वो हमारा रिमाइंडर है. मतलब इफ एन परसेंटाइल, मतलब डिवाइड 2 इज डबल इक्वल्स टू 1, देन प्रिंट वियर्ड. भैया इस चीज में तो कोई देर होनी नहीं है. अभी तो मैंने एग्जाम्पल ले दिया 7 का, तो 7 है डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 6, 3 क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, माइनस 6, 7 माइनस 6, 1 आ गया हमारा रिमाइंडर. तो जब n और 2 को हम काटेंगे, हम डिवाइड करेंगे, और हमारा आंसर 1 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑड नंबर. और अगर ऑड नंबर हुआ तो हमें वियर्ड प्रिंट करना है ना. सिंपल था, यही था हमारा यही था इसका कोडिंग चैलेंज सेकंड. तो अभी हम देखते हैं इसका, हमें आउटपुट हमारा फेवरेबल मिलता है, जो हमें आउटपुट चाहिए वो है ना, वरना इसके हम लगाएंगे एक दो फिर से समझ आएगा, क्योंकि भैया हमने तो बहुत अच्छे से कोड डिफाइन करा है. अब ये इसकी गलती है कि ये फालतू एरर दिखा रहा है. अब देखो, अब नहीं दिखा रहा, मतलब अब ठीक है. तो इंटीजर चाहिए ना, ले इंटीजर ही देंगे हम इसे. बस अब हम देख लेते हैं, हमने लास्ट डिजिट क्या दिया, 7 दिया, मतलब वियर्ड आना चाहिए.
So guys, this was the coding challenge and I hope that you loved it. If you loved it, please give it a big thumbs up guys. And what is now? तो अब अगर ये भी समझ नहीं आया इट्स ओके. जो कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्लो ग्रैबर होते हैं, कुछ होते हैं फास्ट ग्रैबर. फास्ट ग्रैबर के लिए इट्स ऑल गुड, बट जो स्लो ग्रैबर्स है ना कोई दिक्कत नहीं है. उनके लिए मैं अलग से जिप फाइल बना के एक डिटेल टू डिटेल समझाऊंगा. देयर इज नो नीड टू वरी, ठीक है ना. भगवान जी ने दिमाग सबको दिया है, पर वो दिमाग में हमारी वही है ना कि कुछ स्लो ग्रैबर होते हैं, कुछ फास्ट ग्रैबर होते हैं. तो मतलब जिनकी थोड़ी सी देर में समझ आता है, तो इट्स नो नीड टू लाइक दैट हॉर्स ने ये कैसे कह दिया, हॉर्स ने ये कैसे कह दिया. मैं भी एक स्लो कैब. सो क्या होता है, ये हो गया हमारा. सो व्हाट वील डू, वैसे मैं हूं नहीं स्लो ग्रैबर, मैं मीडियम ग्रैबर हूँ. तो मतलब मैं किसी चीज को ना इतना ज्यादा फास्ट ना इतना ज्यादा धीरे नहीं समझता, मैं बीच में समझ आता हूँ, ठीक है, ना ज्यादा धीरे ना ज्यादा फास्ट. तो अगर ये किसी चीज को नहीं समझ आई है, और जिनको समझ आ गई है वो भी आप एक बार इस चीज को देख लेना, बिकॉज वहां पे बहुत सारी चीजें हेल्पफुल हैं आपके लिए भी. सो आई होप गाइज यू लव्ड इट. इफ यू लव्ड इट प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कोडिंग चैलेंज विच वॉज आई डोंट नो व्हाट इट इज बिकॉज आई हैव क्रिएटेड 15 चैलेंजेस. एंड स्टे ट्यून्ड. बाय गाइज, हैव अ नाइस डे.